महाराज हेमू, मैं एक आधे मिनट में आपको बताऊंगा। हेमू कालानी हमारे सिंधी समाज के स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने भी अपना प्रतिसाद, अपना प्रतिभाग दिया था। उसी विषय पर ये फिल्म चल रही है और इत्तेफाकन आज आपका जन्मदिन भी है, आज 2 अक्टूबर भी है। तो पहले तो आशीष शेलार जी के जन्मदिन के लिए जोरदार तालियां आपकी तरफ से, बधाई। उनके लिए पहले भी जब कांगाजी साहब का शो था, मैंने 2 लाइनें कही थी, सिंधी में कही थी, और आशीष सर तवा सबनी जो सिंधी साथी आ जोरदार ताड़ी हुई ही यहां के मां तवा सा कद तवा जेड़ो आ तवा सा कद तवा जेड़ो आ शकील भी दिसे कद सिंधी वा मरदा से जोरदार ताड़ी थी आशीष से आज ए अर्जुन जी, मतलब ये समझो उनन जी सेवा पे है ने आशीष जिन जो डाडो सठो उनन के आशीर्वाद आ ए उनन जो पिता जो है विजय कांदारी इनके सपोर्ट कर पाई कि राजनीति में असा सिंधी भी किथे न किथे हुजण खपन ताकि सिंधियों जो हक वास्तो भी मिलने खे। तो अर्जुन के लिए जोरदार ताड़ी थी वजे। दिसो टे जनरेशन उते कांदारी साहब बैठो आ पाण बिहारी कांदारी साहब इते उनन जो सुपुत्र इते उनन जो सुपुत्र ए असा के शहर जो कद्दावर नेता आशीष शेलार जी जोरदार ताड़ी। जी सर, हाँ आशीष शेलार रामानी, ओके ओके, क्या बात सर। इनकी तरफ से मैं आपके लिए सिंधी में 2 लाइनें। सिक सजे जहान जी, सिक सजे जहान जी आशीष शेलार जी तां गोरे छड़ियो, सिक सजे जहान जी आशीष शेलार जी तां गोरे छड़ियो, असा जो वस पुजे त तवा के सोन में तोरे छड़ियो, तवा के सोन में तोरे। मतलब हमारा फर्स्ट चले तो सर आपको सोने में तोलने, दिल क्या चीज है जहां भी ले रहे, क्योंकि आप सिंधियों के, अभी हमको ये भी पता चला कि अजीत पल्याल जी का एक कार्यक्रम था आप वहां पर भी, और सिंधियों के हर कार्यक्रम में आप आते हैं और उनके साथ जुड़े रहते हैं, तो तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं भी सर से कहूंगा कि पहले मैं अभी स्वर्ग में पहली बार आ रहा हूं, मैंने कहा था दूसरी बार आऊंगा तो गाऊंगा। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूं कि आज मुझे अपने छोटे लिमिटेड वे में मौका मिला है कि मैं तमाम सिंधियों को जोड़ पाऊं, यू नो, ऑन द ऑनरेबल ट्रिब्यूट ऑफ सर गेटिंग द बेस्ट पार्लियामेंटरी अवार्ड, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ये जो कार्यक्रम है आज सिंधी समाज को साथ में जोड़ता है, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे बैंड का काम सैंटाक्रूज की सिंधी कम्युनिटी इस प्रोग्राम को सपोर्ट की है, अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सर के काम पे, सर के डेडिकेशन पे तो पूरी दुनिया जानती है, बट एक छोटी चीज मैं बोलना चाहूंगा, मंजिल क्या रास्ता क्या, जब शेलार साहब जैसा हौसला हो तो हर फासला। MLA today of Bandra West, आप सब जानते हैं, you know, in the last 10 years, जब से sir has come, we have seen a pro-development Bandra West. Bandra West में पहले मेरे पास खेलने के लिए parks नहीं होते थे, recreational activities नहीं होती थी, but मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि sir has been a pro-development MLA for Bandra West. जो हमने बैंड्रा वेस्ट में सेलिब्रेशन देखा है, जो हमने बैंड्रा वेस्ट में फेस्टिवल कल्चर देखा है, आज हम देख सकते हैं क्रिसमस में जो एमएलए आशीष शेलार की विंटर वंडरलैंड जो सेलिब्रेट होती है, पूरी दुनिया जानती है, बड़े धूमधाम से काटर रोड में इसका सेलिब्रेशन होता है, एंड सर हैज रियली बीन अ वेरी न्यूट्रल एमएलए। आज अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी में कोई एमएलए के लिए दिल से रिस्पेक्ट है तो वो एमएलए आशीष शेलार। मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं बैंड्रा वेस्ट का नागरिक हूँ और एमएलए आशीष शेलार जी के नेतृत्व में मैं काम करता हूँ। बैंड्रा वेस्ट, खार वेस्ट और सैंटाक्रूज वेस्ट। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और एक छोटी पंक्ति बोल के मेरी स्पीच कंक्लूड करूंगा। काम ऐसा कर कि नाम बन जाए, कदम ऐसे रख के पहचान बन जाए। यहाँ पे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी इस कदर जियो कि एक मिसाल बन जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और
अभी चुनाव आने वाले हैं और आई थिंक मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि चुनाव का डिसीजन क्या होने वाला है। बाय फार द मैक्सिमम वोट मार्जिन से सर ये चुनाव जीतने वाले हैं और सर के छत्र छाया में बैंडगा वेस्ट, थार वेस्ट और सेंटा क्रूज रहने वाला है एंड आई एम प्राउड टू बी अ रेसिडेंट ऑफ एमएलए आशीष शेलार जी कॉन्स्टिट्यूएंसी। थैंक यू। जय हिंद जय महाराष्ट्र। और उन्होंने जब जब मैंने कहा है, अभी मैं तो जानता हूँ उन्होंने पूरा साथ दिया है। हमारा आज मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज बन चुका है, बीएससी आईटी हमारे पास आ चुका है। सर थैंक्स टू यू एंड मे यू लिव अ लॉन्गर लाइफ एंड मे यू गेट मेजर मेजर अवार्ड्स फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड फ्रॉम द ईयर। थैंक यू। मैं अर्जुन जी से निवेदन करूंगा, पहले स्वागत करें आशीष शेलार जी का ये गुलदस्ता और उसके बाद हम आशीष जी से निवेदन करते हैं। किशोर मनसुखा ने सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर। बिहारी गंदारी सर है, मैं आशीष शेलार जी से कहूंगा कि पूरे समाज की तरफ से हमारे बड़े बुजुर्गों का अभिनंदन करके सर ये शॉल आप दादा को आपकी तरफ से सबकी तरफ से जोरदार तालियों के बीच जोरदार तालियों के बीच। और अब आशीष शेलार जी बोल सकते। मुझे पता है कि आप सब लोग फिल्म देखने के लिए आए हैं और कोई भी फिल्म शुरू होने के पहले एडवर्टाइजमेंट्स होती है, लेकिन इतनी लंबी होती है ऐसा नहीं होता। लेकिन आप और मैं दोनों भी एक ही विचारों के लिए आए हैं और वो विचार जो है वो प्रखर राष्ट्रवाद नेशनलिस्ट विचार का है। हमारे सिंधी भाई बहनों ने भारत का विभाजन जब हुआ तो जो सहा है उसकी कहानियां इतनी दर्दनाक है कि उसका बयान नहीं कर सकते। माननीय मोदी जी ने 14 अगस्त का दिन, जैसे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, तो 14 अगस्त का दिन इस देश में विभाषण विभिषिका यानी जब इस देश के दो टुकड़े किए गए, उस दिन की हमारे बीच जो नहीं रहे ऐसे हजारों हमारे भाई बहनों की, मैं तो कहूंगा कि शहादत हुई, बलिदान हुआ, उनकी याद में भी वो दिन उन्होंने रखा। दुर्भाग्य तो इस देश का ये रहा कि उस डे को भी, उनकी याद को भी विरोध करने का काम विपक्ष ने और कांग्रेस ने किया। आप कल्पना करिए, मैं तो बहुत, मेरा जन्म 72 में हुआ है, या कुछ लोग होंगे उस समय के कि रिफ्यूजी नाते जब निकले, जब अपने घरों में थे तो हर किसी का मोहल्ला बड़ी हवेली बड़ी खेत और वन फाइन डे जस्ट थिंक टुडे इफ यू समबडी विल कम एंड से लीव एवरीथिंग और जाओ यहां से, जो आप बदन पे कपड़ा है वो लेकर हम निकल पड़े जान बचाकर। उसने भी कोई बीच में आया तो उसने कटवा दिया काट दिया, जो बचे वो भारत तक पहुंचे और रिफ्यूजी कैंप में रहे। ये दर्द, ये मैसेकर, ये इनह्यूमननेस दुनिया के किसी देश में इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ उतना भारत में उस समय पर हुआ और सिर्फ वजह थी कांग्रेस की गलत रणनीति, सिर्फ कांग्रेस की वजह। मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता कि जिना के स्वार्थ के लिए भारत का टुकड़ा कर देना, इस प्रकार का सोच पनपना यही भारतीयों को मंजूर नहीं था।
और इसके लिए आज का ये शो ये रिलेवेंट होता है जो अर्जुन आपने कंधारी जी आपने और आप सबने रखा है वो हेमू कलानी जी को याद करना, उस स्वतंत्र सेनानी को याद करना जिसने अखंड भारत स्वतंत्र भारत मजबूत भारत का सपना और उसके लिए बलिदान है। आज हम देखेंगे हेमू जी का जीवन ये आज भी प्रेरणादायी है और हमें से जिसको उससे प्रेरणा नहीं मिलती होगी ऐसा कोई नहीं होगा यहां पर, लेकिन ऐसी स्थिति होगी तो उसका दिल और आत्मा मर गया है। ऐसा ये बलिदान दिया युवा अवस्था में घर बार सब छोड़कर, क्यों हमारा भारत उच्चारा विश्वगुरु बने। और तीन हफ्ते पहले हमने देखा अमेरिका के भूमि पर जाकर एक कांग्रेस के विपक्ष के नेता ने भारत में डेमोक्रेसी नहीं, भारत में कोई फ्रीडम नहीं, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, भारत की बदनामी। भाई ऐसा कौन सा घर हो सकता है कि जो अपनी घर की बदनामी बाजू वाले के घर में या तीसरे के घर में जाके करे। हर कोई वो मां यही देखती है कि कलाच पकाते समय खाना पकाते समय अगर उसका रेसिपी या कुछ भी कारण अगर वो अच्छा नहीं बना तो गांव में उसको लेकर नहीं जाती, वो छुपा देती है, उसको ढक देती है। लेकिन इस देश में ऐसी पार्टियां विपक्ष के नेता है जो भारत की जो बातें सच नहीं वो झूठ बातें भी दुनिया में जाके कहते हैं। और इसके लिए ये शो मेरे लिए रिलेवेंट है और आपने रखा, इसका मुझे बहुत अर्जुन बहुत सम्मान है, बहुत आनंद है। और यहां पर इकट्ठा हुए आप सबका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों स्थितियां और मजबूत भारत करने की है, समस्याएं हैं, कौन कहता है समस्याएं नहीं है। ये समस्याओं से जूझकर ही देश को आगे लेके जाना यही नेतृत्व होता है। आज दुनिया में देखिए अभी कल की परसों से आपने ईरान वॉर देखा ही होगा, रशिया यूक्रेन वॉर चल ही रहा है, गाजा पर बम फट रहे हैं, दुनिया की सभी इकोनॉमीज डोल्ड्रम हो चुकी है, नीचे जा रही है। मैं बीसीसीआई का ट्रेजरर भी हूं तो ये कहता हूं आपको कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया के कारण मैं दुनिया के कई देशों में जाता हूं, शादियां नहीं हो रही वहां पर, खर्चे नहीं हो रहे, नो सेलिब्रेशंस, क्यों? इकोनॉमी दिन ब दिन नीचे जा रही है, वो यूरोप के देश हो या अमेरिका हो। भारत में आज हर दो गली के पीछे आप देखोगे तो सेलिब्रेशन चल रहा है, आदमी आनंद भी ले रहा है, खर्चा भी कर रहा है, इकोनॉमी रोल भी हो रही है। लेकिन ये बात भी कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। और उस समय पर इस प्रकार के हमारे भाई बहन बांद्राकार सांता क्रूज के इकट्ठा होते हैं, मुझे वो शान लगती है, मुझे वो आनंद होता है। एक ही नारा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम कौन सी भाषा बोलते हैं, धर्म है, राज्य से अपने राज्य और भाषा का अभिमान होना ही चाहिए, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत और अब एक महाराष्ट्र श्रेष्ठ महाराष्ट्र, इस महाराष्ट्र का नारा लेकर चल रहे हैं। इस चुनाव में और कोई नारा लेके नहीं चल रहे, इस महाराष्ट्र की ग्रोथ का नारा लेके चल रहे हैं। Growth comes with the investment. Investment has to come if the economy rolls, and economy rolls, then infrastructure creates. आज मैं आपको बताऊं, ऐसे मैं गिना सकता हूं, आपने भरोसा रखा बांद्रा का एमएलए दादाजी, आपने मुझे बनाया, मैंने कभी कसूर नहीं छोड़ी। आज लिंकिंग रोड पे मेट्रो का काम पूरा होते होते दिख रहा है, सबर्बन रेलवे में सुबह जाने वाले वो ट्रेन के पैसेंजर्स को पूछो पर्टिकुलर समय पर अंदर चढ़ भी नहीं सकते, बाहर आ भी नहीं सकते। योर आर्थ इज दैट यू हैव टू स्टैंड एट राइट प्लेस, तो पीछे वाला धक्का मार ही देता है। ये स्थिति है, उसको वहां से राहत नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए। इसके लिए सबर्बन रेलवे के जो मेरी माता बहने और लोग, उनकी दुर्व्यवस्था को दूर करने के लिए अल्टरनेटिव प्लान ऑफ ट्रांसपोर्ट इज अ मेट्रो, इज अ मेट्रो। लेकिन आदित्य ठाकरे ने तो मेट्रो को भी स्टे दे दिया।
हरा रेणु घर में रेणु ईशान इसरानी जी के आशीष शेवार जी झूलण जो दुशेलो दुशालो पाए करे उन्हें के तवा जे जोरदार ताड़े जो एक दफो वटी जन्म जी जो आदाय हाँ चलो करते हैं आशीष जी कहना शुरू करें थैंक यू आशीष जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू देखिए हर हर हेमू हेमू कालानी जी के ऊपर एक फिल्म है। हेमू कालानी जी हमारे सिंधी समाज के बड़े पेट्रियोटिक लीडर थे और उनका जो जीवन है उन्होंने जो कठिन परिस्थितियों में इंडिपेंडेंस की लड़ाई की तो हमारे सिंधी समाज का ये छोटा ट्रिब्यूट है उनके लिए और इस फिल्म के थ्रू उनकी जर्नी उनकी सक्सेस उनका स्ट्रगल और उनकी जो परसिवियरेंस है ये सब का डिस्प्ले हमको मिलता है और हम यूथ ये सब देख के इंस्पायर होते हैं। तो यही एक विषय है कि हमने ये पिक्चर रखा है और आशीष शेलार जी हमारे रिस्पेक्टेड लीडर है और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय सिंधी समाज को दिया। देखिए आशीष शेलार जी के बारे में मैंने तारीफ नहीं की है, मैंने सिर्फ वो बोला है जो हर बांद्रा खार सांताक्रूज़ का आदमी दिल से उनके लिए सोचता है। वो एक बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति है ये हम सब जानते हैं और उनकी स्पीच पे हमने देखा है कि पिछले 10 साल में बांद्रा खार सांताक्रूज़ में कितना कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट हुआ है और आगे चल के कैंसर हॉस्पिटल मेट्रो लाइन और ऐसी कई सारे विषय है जो हमको रियल इस्टेट की जो प्राइसिंग बोला ग्रो होगी तो ऐसे बहुत सारे विषय है जो हम रेसिडेंट को बूस्ट करते हैं और हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि उनके नेतृत्व में हमको उनसे सीखने का मौका मिला है। देखिए बी कंदारी ग्रुप एक 45-year-old रियल एस्टेट कंपनी है जो मेरे ग्रैंडफादर ने चालू की फिर मेरे फादर ने संभाली और मैं भी उनके साथ संभाल रहा हूँ। साथ ही साथ मैं हमारे जो CM साहब एकनाथ शिंदे जी उनके पक्ष में महाराष्ट्र कार्यकारिणी सदस्य और मुंबई निरीक्षक हूँ युवा सेना का और हम महायुति की अलाइंस है और हम बिलीव करते हैं कि अच्छा काम होना चाहिए सच्चा काम होना चाहिए प्रो डेवलपमेंट और प्रोग्रेसिव काम होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अर्जुन कंदारी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त फिल्म को हेमू जी के पाले में जो बनाई गई है जो उनके जो उन्होंने सहा है आज़ादी के टाइम में उनके जो मतलब कर्मक उन्होंने जो मेहनत की लोगों को मोटिवेट किया आज़ादी हुई हिंदुस्तान के लिए जो मेहनत अपने आप को कुर्बानी दी और कुर्बानी के लिए लोगों को साहस किया मैं उस जैसे एक महान नेता के ऊपर एक फिल्म बनाई और इस तरह की फिल्मों को प्रमोट करने इस तरह की फिल्मों को आगे बढ़ाने हम जैसे युवाओं तक आगे आने वाली जनरेशन तक पहुंचाने के लिए अर्जुन कंधारी जी और उनकी जो ग्रुप है उन्होंने मिलकर ये एक फंक्शन रखा है और मैं चाहूँगा अर्जुन जी से कि इस तरह के फंक्शन आगे भी वो करते रहे और हम जैसे लोगों को और हमारे जैसे युवाओं को प्रमोट करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। जय महाराष्ट्र सभी को। सर्वप्रथम सुपर हीरो की मूवीज सभी देखने जाते हैं। आज हमारे पेट्रियोटिक हीरो हेमू कालानी जी के संदर्भ में जो ये पिक्चर बनी है ये पिक्चर के माध्यम से हम सबको एक प्रेरणा मिलती है कि उस समय में उन्होंने जो भी कुछ सहा था उस इतना सहने के बावजूद भी आज सिंधी समाज एक जोरदार समाज है हम सब में उभर के रहा है। आप सभी जानते हैं अर्जुन कंधारी जी बांद्रा सांताक्रूज़ कार की पब्लिक हर एक पब्लिक पहचानती है अर्जुन कंधारी जी को। ये महाराष्ट्र के कार्यकारिणी सदस्य है और मुंबई के निरीक्षक भी है युवा सेना के। तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में हमसे जितना हो सकता है अच्छा काम करते हैं। अर्जुन जी सदैव हमारे लिए खड़े रहते हैं और हमारे दमदार नेता आमदार शेलार जी आशीष शेलार जी इनका भी कल जन्मदिन है इस अवसर पर उन्हें भी हम हार्दिक बधाई देना चाहते हैं और ऐसे ही कार्यक्रम हम करते रहें। अर्जुन जी से ये अपेक्षा करते हैं कि आने वाले कुछ समय में विधानसभा के इलेक्शन जब तक चालू है उस चालू होने के बावजूद भी और उसके बाद भी ऐसे ही हम सबको प्रेरणा देते रहे हमारे लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम रखते रहें। जय हिंद जय महाराष्ट्र। देखिए ये एक कम्युनिटी ड्रिवन मूवी है ये एक रीजनल सेक्टर में कही जाती है और इसकी जो स्क्रीनिंग है वो उल्लासनगर में होगी ये फिल्म की जो उनके सन पप्पू कालानी जी है हेमू कालानी जी के सन वो भी एक काफ़ी पराक्रमी व्यक्ति रह चुके हैं सिंधी समाज के MLA रह चुके हैं
और उल्लासनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़े धूमधाम से ये मूवी चलेगी और सारे सिंधी भाई बहन जाएंगे इस पिक्चर को देखने को, और एक अच्छी पेट्रियाटिक सीख मिलती है। आज गांधी जयंती है, गांधी जयंती के दिन पे आज सिंधी समाज का ये छोटा सा एक कार्यक्रम है जो हम यू नो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल करने मांगते हैं। ये सिर्फ यूथ को सिखाता है कि कैसे स्ट्रगल, परसिवियरेंस और सहनशीलता से बड़ी जंग जीती जा सकती है।